हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। बात करेंगे प्रोटॉन कॉइन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोजेक्ट है। आई बिलीव दैट कि ये हमें बहुत ही कम अरसे में 8x से लेके 10x तक भी प्रॉफिट दिलवा सकता है। ऑलरेडी काफ़ी अच्छे एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट हो भी चुका है। बाइनेंस एक्सचेंज पर लिस्ट होने के लिए टीम ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट करवा चुकी है। आप बहुत जल्द प्रोटॉन कॉइन को बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर भी देख सकेंगे। तब इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस भी हैं। किस प्राइस पे बाई करना है, किस प्राइस पे सेल करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे लेना है, कंप्लीट डिटेल के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टोनोट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज, आपको ये भी बताता चलूं कि ये एक पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। मुझे ये प्रोजेक्ट पर्सनली पसंद है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। आप खुद से इस प्रोजेक्ट की स्टडी करें। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसमें इन्वेस्ट करें, अदरवाइज बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। आपके प्रॉफिट या लॉस की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। सबसे पहले इसके मिशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर किस एक्सचेंज के ऊपर इसको बाई करना है, कितने अरसे तक होल्ड करना है, वो सारा आपको गेम प्लान में समझा देता हूँ। बिल्ड ऑन प्रोटोन द पेमेंट ब्लॉकचेन प्रोग्रामेबल मनी दैट एक्चुअली वर्क्स। इसकी जो मिशन स्टेटमेंट है वो ये है, क्रिप्टो करेंसी एंड इन पार्टिकुलर स्टेबल कॉइन आर गोइंग टू बी द बेसिस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। आवर मिशन इज टू इनेबल यूजर्स टू बाय ट्रेड एंड यूज देम एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। इसकी जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सीईओ ऑफ ईओस फ्रेड इज अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ईओस लिनक्स। अच्छा, ये दो कंपनियों ने मिलकर बनाया है, लिनक्स कंपनी ने और मेटल कंपनी ने। ठीक है, तो इसके आप यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा टीम के बारे में, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये इसके एडवाइजर्स भी हैं और इन्वेस्टर्स भी हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसका एक वैलेट भी है, ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ट्रस्ट वैलेट है ना, उसके ऊपर डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो कॉइन्स आप स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह आप प्रोटन वैलेट के ऊपर भी कर सकते हैं, मोबाइल वैलेट है ये, तो वहाँ पे आप सिक्योर वे में क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, सेफ रख सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने जा रहे हैं। इसका मैं रोड मैप भी आपको बता देता हूँ, लेकिन तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे अट्रैक्ट की हैं इस प्रोजेक्ट ने। डिफाई वर्ल्ड में तो ये ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं और अब ये एनएफटी वर्ल्ड में भी एंटर होने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर वन पे जो मुझे लगा है कि इथेरियम के ऊपर अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ गैस फीस देनी पड़ती है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको देना पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूजर्स नेवर पे गैस, ऑल यूजर ट्रांजेक्शन आर कम्प्लीटली फ्री, सेंड $20 टू समवन द पर्सन गेट्स $20, यू पे नथिंग, ऑल रिसोर्सेज आर हैंडल बाय द ऐप एट द एक्सट्रीमली लो टीयर्ड कॉस्ट। इथेरियम के ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके कुछ डॉलर्स कट जाते हैं। ठीक है, अगर आप $20 सेंड करते हैं तो आपको $17 मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अगर आप $20 करते हैं, $100 करते हैं तो दूसरे पर्सन को उतने ही मिलेंगे। और ये परफेक्ट है चीज़ फ्यूचर के लिए, अगर आप क्रिप्टो पेमेंट्स करते हैं तो यहाँ पे आपको गैस फीस नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, 0% इसकी गैस फीस है। एक तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है बात इनकी, दूसरी की जो ट्रांजेक्शन स्पीड जिसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट टिका होता है, पर सेकंड के हिसाब से देखनी होती है, इनकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट काफ़ी अच्छी है, 4000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। वी हैव स्ट्रेस टेस्टेड प्रोटोन एट ओवर 40 मिलियन ट्रांजेक्शन पर डे, इट कैन हैंडल फार मोर ट्रैफिक देन ब्लॉकचेन ऐप आर करेंटली कलेक्टिवली कैपेबल ऑफ। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो कि रियल हमें बेनिफिट देगी फ्यूचर में भी, क्योंकि अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा लो सतोशी कॉइन है, लेकिन फ्यूचर में जैसे ही अच्छी अच्छी एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होता है, क्योंकि टीम इसकी एक्टिव है ट्विटर के ऊपर भी, मैं आपको लेके चलता हूँ, लगातार इसके ट्वीट्स आ रहे हैं, एक साल से मैं इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही अच्छी एक्सचेंजेस पे आता है तो आपकी जो आपको इसमें से ईजिली 8x से 10x तक भी प्रॉफिट मिल सकता है। प्रोटोन चेन स्टोर्स आइडेंटिटी अटेस्टेशन बाय द मल्टीपल आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स बोथ फॉर इंडिविजुअल KYC एंड KYB। बिजनेसेस के लिए जो भी होती है KYC, उसको KYB बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप एक्सचेंजेस के ऊपर आप अपनी आइडेंटिटी देते हैं, ठीक है, उसको KYC बोलते हैं। बिजनेसेस को भी रजिस्टर करने के लिए ये अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोटोन जो है। ये तीन जो चीज़ें हैं, बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं, बिल्ड फॉर स्टेबल कॉइन,
इनवैलिड पेमेंट रिक्वेस्ट, ये सारी बाद में आती हैं, लेकिन ये जो तीन चीज़ें हैं, वेरीफाई आइडेंटिटी, 0% यूज़र, 0% फीस, यूज़र नेवर पे गैस, 4000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया है इस चीज़ ने, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, ये पहले इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ये आया था, कॉइन इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज़ करता था, लेकिन रिसेंटली इनका मेननेट लॉन्च हो चुका है, अब ये स्वैप फंक्शन में है, ठीक है। आप इनके जो प्रोटोन कॉइन्स हैं वो इथेरियम ब्लॉकचेन से इनकी अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर भी स्वैप कर सकते हैं, अगर आप इसको डायरेक्टली जैसे ओकेक्स एक्सचेंज से बाय करते हैं तो वो ऑलरेडी स्वैप में ही, आई थिंक सो, फिर आपको स्वैप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको रोड मैप भी दिखा देता हूँ, ये Q2 का है 2021 में, क्रिएट सेल एंड बाय NFTs विद नो गैस फीस, नियर जीरो मिंटिंग कॉस्ट एंड सुपर्ब एंड यूजर एक्सपीरियंस विद द प्रोटोन चेन्स फास्ट स्पीड 3000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड एंड द प्रोटोन वैलेट्स अल्ट्रा सिक्योर PSR, प्रोटोन इज द परफेक्ट न्यू होम फॉर द NFTs, ठीक है। डिफाई में ये ऑलरेडी एंटर्ड है और अब ये NFT से आप इसके थ्रू प्रोटोन कॉइन के थ्रू NFT भी बाय कर सकते हैं। इनकी अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, आई थिंक सो, किसी भी कॉइन को मार्केट में इन रखने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर टीम को देखा जाता है कि वो कितने इन हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें रोज़ इनकी कोई ना कोई ट्वीट आती है और कोई ना कोई इनकी एडवांसमेंट हो रही होती है, स्टैकिंग भी कर सकते हैं, रिवॉर्ड भी आप कमा सकते हैं, प्रोटोन स्वैप के बारे में बताया हुआ है जिसके बारे में अभी मैं जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है। और जो जो भी यहाँ पे एडवांसमेंट होती है आप इस ट्विटर पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे ही इसकी कोई न्यूज़ आती है, जैसे अच्छी एक्सचेंज के ऊपर Coinbase या Binance के ऊपर ये एक्सचेंज होता है, देन फॉर श्योर इसमें काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इसका जो सिंबल है वो है XPR, इसको XRP के साथ आप धोखा ना खाएं, XRP का मतलब रिपल कॉइन है, XPR कॉइन प्रोटोन कॉइन है, ठीक है। इसकी जो करंट प्राइस है लो सतोशी कॉइन है 340, आमतौर पे ये अक्सर एक्सचेंजेस के ऊपर 3 digits यूज़ होते हैं, लेकिन अगर हम कॉइन जीको के मुताबिक बात करें तो ये सिर्फ 34 सतोशी में अवेलेबल है और 0.019 इसकी करंट प्राइस है सेंट्स में, ठीक है, डॉलर्स में अगर बात करें। इसका मैं आपको एक साल की हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ, ये देखिएगा काफ़ी अर्सा ये डेड रहा है, आई डोंट नो कि इतना पावरफुल प्रोजेक्ट है ये इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया, इसका जो ऑल टाइम हाई है 0.086 मीन 9 cents के करीब है। अभी मैं आपको बता देता हूँ किन एक्सचेंजेस पे बाय करना है, किस प्राइस के ऊपर आपको बाय करना है। मैंने इसको जो बाय किया था वो किया है ओकेक्स एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि ओकेक्स एक अच्छे एक्सचेंज भी है और USDT पेयर में अवेलेबल है XPR कॉइन, राइट। हिट BTC के ऊपर कर सकते हैं, बिट हम के ऊपर भी कर सकते हैं, यूनिस्वैप वर्जन 2 के ऊपर भी आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अगर तो आप इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, फिर फी और सतोशी का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, आप इसको करंट प्राइस के ऊपर बाय करके एक या दो साल के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल तो वैसे भी मार्केट काफ़ी तेज़ है, अगर आपको 100 या 200 या 3x प्रॉफिट होता है तो जब भी आप सेटिस्फाई हो आप इससे पैसा निकाल सकते हैं, प्रॉफिट अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करने चाह रहे हैं 2-3 month के लिए, तो फिर आप इसको 27 सतोशी के बिलो बाय करें, ठीक है, क्योंकि मार्केट करेक्शन लेगी थोड़े अर्से तक मुझे लगता है। तो अगर आपको ये 27 सतोशी से नीचे मिलता है अच्छी बाइंग प्राइस है। और आपको ये भी मैं कहना चाहूँगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हवाले से कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें किसी भी प्रोजेक्ट में, नॉट ओनली XPR कॉइन, नॉट ओनली अदर कॉइन, ABC कोई भी कॉइन है, एक भी किसी भी एक कॉइन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अगर उस कॉइन को कोई प्रॉब्लम हो जाए, टीम में कोई मसला आ जाए, SEC पीछे पड़ जाए, तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़तरे में होती है। तो इसलिए अपने जो पोर्टफोलियोज़ को ज़रा डाइवर्सीफाई किया करें, ठीक है। आप इसमें अगर नॉर्मली किसी भी कॉइन में $100 इन्वेस्ट करते हैं, आप इसमें $50 कर लें, 1000 करते हैं तो $300-400 कर लें, मैं इनके कम करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कम वैल्यू जो होगी ना, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल आपको प्रॉफिट दे सकती है। बाकी हम वॉलेटाइल मार्केट में हैं तो किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है, अपनी स्टडी खुद करें इस प्रोडक्ट के हवाले से, अच्छा लगता है तो बाय करें, कल को ये लॉस में चला जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा। आज के दौर में ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कल अच्छा परफॉर्म करे या ना करे उसका कोई भी पता नहीं है, उम्मीद है कि अच्छा ही करेगा क्योंकि टीम इसकी अच्छी है और 1-1.5 साल से जब से मैं इसको देख रहा हूँ तब से ये लगातार वर्क कर रही है, एडवांसमेंट कर रहे हैं और
मजे की बात ये है कि जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में नई नई चीजें आती जा रही हैं, ये इसको अडॉप्ट भी करते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा है तो ये लो सतोशी कॉइन कल डॉलर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।